हुआ खंड स्तरीय अंत्योदय मेले का आयोजन। आज हुए इस अंत्योदय मेले में 218 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, जिन्हें लगभग 41 लाख रुपए की राशि यहाँ वितरित की गई। आज संपन्न हुए इस अंत्योदय मेले का शुभारंभ दिए गए समय से लगभग 2 घंटे बाद हुआ, जिससे यहाँ पहुंचे हितग्राहियों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि आज हुए इस अंत्योदय मेले में प्रशासन द्वारा विद्युत चोरी कर मेले में विद्युत की व्यवस्था की गई थी, जिसे इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज आपको दोनों हाथ जोड़ के इस बात के लिए प्रणाम करना चाहती हूँ और हमारे किसान भाइयों को हमारे यहाँ गणमान्य लोगों में इस बात के लिए प्रणाम करना चाहती हूँ कि एक एक क्षण भारी इस वजह से हो रहा कि कल रात्रि में कल दोपहर में और कल शाम के समय। वहीं जब पंचायत सीईओ से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस दौरान जिले के अधिकारियों सहित कई नेतागण मंचासीन रहे। वहाँ पे जो कार्यक्रम संचालन हो रहा था उसकी बिजली डायरेक्ट जलाई जा रही थी खंभे से सीधे तार लगा के। नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारे पास वहाँ मौके के फुटेज है। कहीं आपने विद्युत मंडल से अवगत या कोई परमिशन ली थी क्या इसकी? उसका मुझे आईडिया नहीं। वहीं मेले में इतना पैसा खर्च करने के बाद भी पंखे कूलर की व्यवस्था नहीं थी, जिससे हितग्राही को ही नहीं बल्कि मंच पर उपस्थित जनों को भी गर्मी का सामना करना पड़ा। यहां मंच पर विराजमान नेता और अधिकारी भी गर्मी से परेशान होकर हितग्राहियों द्वारा दिए गए आवेदनों से अपनी गर्मी मिटाते हुए देखे गए। साथ ही इतनी व्यवस्था होने के बाद भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि पत्रकारों को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था भी नहीं की गई। इसके साथ ही महिला हितग्राही राशन कार्ड को लेकर फूड अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो फूड अधिकारी महिला हितग्राही को ऊपर चिल्लाते हुए और बड़े अधिकारियों से अपना चेहरा छुपाते हुए नजर आए। वहीं जब जिलाधीश राजेश जैन से डीजीएन न्यूज के संवाददाता शिवम नामदेव ने सरकार की साइकिल वितरण योजना के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि साइकिल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो आज यहां कई हितग्राहियों को साइकिल भी नहीं मिली, जिससे वो नाराज नजर आए। अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया है, यहां पर बड़ी संख्या में हितग्राहियों को लाभ पहुंचाया गया है। जांचोड़ा विकास खंड में पिछले एक साल में वित्तीय वर्ष में अभी तक 91 करोड़ 61 लाख रुपए का लाभ हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदाय किया जा चुका है। अभी नए सिरे से काफी बड़ी 2000 से अधिक कुटीर यहाँ पे स्वीकृति के लिए आई हैं, उन सबको कुटीर मिलेंगी 1.5 लाख रुपए की आवास के मान से। शहरी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में कुटीर आई है। भावांतर योजना में भी लगभग 64 करोड़ रुपए का लाभ जिले में अभी तक मिल चुका है और 18 करोड़ का लाभ मिलना शेष है। पिछले बार जिन लोगों ने गेहूं खरीदा था उन लोगों को 200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बोनस दिया जाएगा और इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2000 रुपए प्रति क्विंटल किया है, तो बड़ी राशि किसानों को इसके तहत मिलने वाली है। अभी भावांतर के तहत हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं गेहूँ चना सरसों मसूर और प्याज के, और उसके तहत बड़ी लगभग 50,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं, उसकी अंतिम तिथि भी बढ़ चुकी है। किसानों से मेरा अनुरोध है कि भावांतर योजना में अधिक से अधिक अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हमें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। सर, देखने में आया है कि दिव्यांगों की सूचियों में नाम ज़्यादा है और प्रेजेंट में जो है वो साइकिलें कम है। नहीं, साइकिलों की कोई कमी नहीं है। देखिए, साइकिल 3 साल में देने का प्रावधान है और बल्कि अब अमित भी कर रहे हैं कि अगले बार से स्वीकृति आ जाती है, मोटराइज साइकिल उपलब्ध करवाएंगे। साइकिलों की कोई कमी नहीं है। जिन दिव्यांगों को 3 साल पहले मिली है दोबारा साइकिल दिलवा दी जाएगी, बिल्कुल कमी नहीं है। अब आपको नाम लिखवा दें, हम कल ही भिजवा देंगे साइकिल। सर, दूसरा, पंजीयन केंद्रों में कभी नेट प्रॉब्लम आता है, कभी लिंक बंदी होती है? देखिए, बदी बढ़ा के 28 तारीख की, बढ़ा के 12 तारीख कर दी और फिर बढ़ा के अभी और तारीख 24 कर दी है तारीख, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट की प्रॉब्लम आ सकती है मौसम की वजह से, हवा की वजह से, लेकिन कोई कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। डेट बढ़ा के 24 कर दिए। तो आपको गांव से किसने बुलाया था यहाँ पे? सेक्रेटरी नाम क्या बताया था? सेक्रेटरी ने कि साइकिल मिलेगी अंतर्द मेला में जाइए, और उद्योग विभाग से गुना थी। फिर निधि बन्नू की पांच राम ने दर्ज कराऊंगे ये पास प्रधानमंत्री। तो आप यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं साइकिल के लिए? साइकिल के लिए सुबह से लेकर 9 बजे। तो आपको खाना वाना कुछ मिला कि नहीं? नहीं मिला। वहीं सुबह से भूखे प्यासे बैठे हितग्राही को भोजन की व्यवस्था भी नहीं की गई, जिसके कारण कई हितग्राही काफी परेशान नजर आए। अंत्योदय मेले में हितग्राहियों को भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी? भोजन की व्यवस्था किसी भी अन्य ब्लॉक में नहीं की गई थी, इस कारण से यहाँ भी भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है।